नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। हम लोग इतिहास की बात क्यों करते हैं? अच्छी कथा होती है, उसके अलावा हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम कहां से आए हैं, हम क्या हैं? इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। शायद सबसे अहम बात है, इतिहास हमें कई चुनौतियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन करता है। भविष्य को कैसे हम फेस करें उसके लिए तैयार करता है। हिस्ट्री ऑल्सो टीचेस अस हाउ वी कैन बेटर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अवर सोसाइटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। व्हाट हैज बीन डन इन द पास्ट, व्हाट वाज करेक्ट एंड व्हाट वाज रॉन्ग। 2020 के स्टार्ट से COVID-19 महामारी के बारे में हम लोग अक्सर बात करते आए हैं। उस समय से वेरी फ्रीक्वेंटली एक रेफरेंस पॉइंट होता था 1918 से लेके 1920 के बीच में जो स्पैनिश फ्लू का पैंडेमिक आया था, वो एक कांस्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। प्योरली आल्सो बिकॉज इट वाज एग्जैक्टली 100 years अगो। हम सब जानते हैं कि फरवरी 1918 से अप्रैल 2020 के बीच स्पैनिश फ्लू हिंदुस्तान में 4 waves में आया था और उसमें सेकेंड वेव सबसे ज्यादा खतरनाक और समाज के लिए फेटल था। स्पैनिश फ्लू हिंदुस्तान में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो सैनिक ब्रिटिश ट्रूप्स में एनरोल किए थे, वो वापस आते समय अपने साथ उस वायरस को साथ लाए थे। बंबई पहुंचने के बाद जब वो अपने घर के लिए गांव या शहरों की तरफ जब ट्रेन से गए, तो देन द इंफेक्शन ट्रेवल्ड विद द ट्रेन। इन द केस ऑफ द कोरोना वायरस टू, द इंफेक्शन अराइव्ड विद पीपल आइदर रिटर्निंग और विजिटिंग इंडिया। द डिजीज देन ट्रेवल्ड एज ह्यूमंस इंटरैक्टेड विद ईच अदर ऑन अ पीपल टू पीपल बेसिस। लाइक द स्पैनिश फ्लू, COVID-19 पैंडेमिक से उत्पन्न 3 मुख्य चुनौतियां हमें देखने को मिली हैं। फर्स्ट वाज ऑफ कोर्स मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी। ये कैसे काबू हो, लोग बीमार कैसे पड़ना बंद हो और कैसे उनकी मृत्यु को रोका जाए। सेकंड चैलेंज अर्थव्यवस्था या फिर हमारी इकोनॉमी को, कि कम से कम नुकसान हो और जो नुकसान हो उसको हम कैसे रिकवर करें या कैसे बाउंस बैक करें। तीसरी जो चुनौती थी, सामाजिक व्यवस्था को नॉर्मल कैसे रखें और लोगों के मानसिक बैलेंस को, उनके मानसिक संतुलन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हम जानते हैं स्पैनिश फ्लू में डेथ टोल बहुत ज्यादा था। अनुमान लगाया जाता है कि भारत में इंक्लूडिंग जो प्रिंसली स्टेट्स में जो टेरिटरीज आती थी, 1,80,00,000 लोगों की करीब मौतें हुई थी। उम्मीद है इस बार मोर्टैलिटी रेट उतनी नहीं होगी। कोरोना वायरस और उसके सारे वेरिएंट्स अगर कंटेन ना भी हो रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली हम उम्मीद कर सकते हैं कि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस कर चुकी होगी कि उसको मैनेज करना आ जाएगा। लगभग पूरा हिंदुस्तान 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से अलग अलग स्टेजेस ऑफ लॉकडाउन में है। मेडिकल क्राइसिस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, हॉस्पिटल बेड्स ना उपलब्ध होना और सबसे अफसोसजनक बात यह है, शमशान घाटों में बहुत लंबे लंबे कतारें। एंड दीज विजुअल्स हैव बीन पॉइंटेड टू द इनेप्टनेस ऑफ द गवर्नमेंट।
सबसे ज्यादा जब सरकार को दिखने की और खड़े होने की आवश्यकता थी, ठीक उसी वक्त इट वॉज एब्सोल्युटली मिसिंग इन एक्शन. वी ऑल नो दैट द डेड विल लीव बिहाइंड स्कार्ड मेमोरीज अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड द डिजीज विल ऑल्सो लीव लॉन्ग टर्म फुटप्रिंट्स ऑन द बॉडीज ऑफ दोज हु हैव सफर्ड द एलमेंट. पैंडेमिक को शायद पूरी तरह से अवॉइड कर पाना नामुमकिन था, लेकिन सरकार अगर चाहती तो चैलेंज के लिए और प्रोफेशनली गियर अप हो सकती थी. पैंडेमिक के टोटल कंट्रोल हो जाने के पहले, सेकेंड वेव आने के पहले प्री मेच्योरली सरकार ने जीत डिक्लेयर कर दी. ये नहीं होना चाहिए था. बट इफ देयर वाज एनी सेक्टर वेयर द सेटबैक कुड हैव बीन मिनिमाइज्ड एंड टेकन केयर ऑफ, दैट वाज द इकोनॉमी. किसी को इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं थी ये जानने के लिए कि अचानक अगर सारा कारोबार बंद हो जाए तो बहुत गहरा अर्थव्यवस्था पर इंपैक्ट होगा. यहां पर इतिहास सरकार को मदद भी कर सकती थी. इतिहास ने हमें कई एग्जाम्पल से दिखाया है कि द एपिडेमिक डिजीजेस हैव लेड टू एडवर्स शॉक ऑन इकोनॉमीज अक्रॉस वेरियस सेंचुरीज ओवर डिफरेंट टेरिटरीज. We find ample instances of pandemics, epidemics, and diseases in history to be able to study them and learn from them. These have all left lasting long-term impact on the lives of people as well as on the economic activities. COVID-19 or Spanish flu pandemics mein samanta jaldi spasht ho gaya tha. The government should have realized that lessons learned 100 years ago in economics, policy, finance, health, and mortality would be valuable in facing this challenge. सवाल ये है, क्या ये किया गया? अगर नहीं किया गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? Advice देने वाले या जिनको दिया जा रहा था? इकोनॉमी से हटकर हम एक दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं, अबाउट वैक्सीनेशंस. इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च हिंदुस्तान का सबसे रेस्पेक्टेड एकेडमिक जर्नल है. ना सिर्फ हिंदुस्तान में परंतु पूरे एशिया में यह सबसे पुराना मेडिकल रिसर्च जर्नल है. 1913 से प्रकाशित हो रही है. The journal follows ethical principles laid down by very important scholarly bodies like the Committee for Publication Ethics and International Committee for Medical Journal Editors. 2018 के issue number 3 में Dr. Randeep Guleria ने एक research paper Pandemic Flu 1918 After 100 Years India is as vulnerable. मतलब 2018 में ये आर्टिकल छपा था कि 100 साल बाद हिंदुस्तान उतना ही वल्नरेबल है जितना 100 साल पहले था. पेपर के हिसाब से एनुअली 3.5 से 6 लाख लोगों की जान सीजनल फ्लू में पूरे दुनिया में हर साल जाती है. डेवलप्ड देशों में ज्यादातर जो डेथ्स होती हैं वो 65 प्लस एज ग्रुप में देखी जाती हैं. हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में 99% ऑफ द डेथ्स उनमें देखा जाता है जो 5 साल के कम आयु के बच्चे होते हैं. ये लोग ज्यादातर मरते हैं बिकॉज ऑफ इंफ्लुएंजा रिलेटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीजेस. इस स्टार्क डिस्पैरिटी के बावजूद लोअर और मिडिल इनकम देशों में वैक्सीन्स ना के बराबर इस्तेमाल होते हैं. इन 2015 ऑफ द 486 मिलियन डोजेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 201 कंट्रीज 95% ऑफ दीज वर शेयर्ड अमंग द अमेरिकाज,
यूरोप एंड वेस्टर्न पैसिफिक, जस्ट 5% इन एशिया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड अफ्रीका. डॉक्टर गुलेरिया पेपर साइटेड द इंडियन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द H1N1 एपिडेमिक ऑफ 2009. इट फर्स्ट सर्फेस्ड इन मई 2009 एंड द फर्स्ट पीक वॉज इन सेप्टेंबर. भारतीय सरकार ने मात्र 15 लाख वैक्सीन इंपोर्ट किए सिलेक्ट हाई रिस्क टारगेट ग्रुप्स के लिए. वैक्सीन यूसेज बहुत खराब रही, फिर भी सरकार ने 3 प्राइवेट कंपनीज को 10 करोड़ वैक्सीन का एडवांस मार्केट कमिटमेंट दिया. इन कंपनीज से 6.5 लाख वैक्सीन सरकार ने एक्वायर भी कर लिए, परंतु इनका भी इस्तेमाल नहीं हुआ और उनको जंक कर देना पड़ा. By 2010, more than 2000 people had died in the epidemic. ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं है आज के तुलना में, लेकिन इंसान जो भी मरता है, चाहे एक हो या हजार, उसके जिंदगी की रेस्पेक्ट और वैल्यू होती है. डॉक्टर गुलेरिया और उनके को ऑथर ने 2 रिकमेंडेशंस किए थे. फर्स्ट, डेवलप इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द पीपल. सेकंड, द सीजनल इंफ्लुएंजा वैक्सीनेशन मस्ट बी मेड मैंडेटरी फॉर द हेल्थ वर्कर्स. दोनों सजेशंस बस वहीं रह गए. निष्कर्ष के तौर पर डॉक्टर गुलेरिया और उनके साथी ने लिखा था, इमेजिन द डिवास्टेशन अ 1918 लाइक पैंडेमिक वुड कॉज इन इंडिया टुडे. कंडीशंस दैट फेवर्ड द स्प्रेड ऑफ द इन्फ्लुएंजा बैक देन इन 1918 आर स्टिल प्रेवलेंट. गिवन द वाइड स्प्रेड प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इन नेचर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ emergence of a virus which adapts to start human-to-human transmission is extremely high. It is certain India shall not be spared. What is uncertain is how seriously does India perceive this threat and what action does it take. 2018 mein jab ye lekh prakashit hua, theek uske 2 saal se bhi kam waqt हिंदुस्तान कोविड 19 पैंडेमिक के चपेट में आ गया था. हिंदुस्तान ने उस पीरियड में परसीव नहीं किया कि हमारा खतरा बहुत है. डॉक्टर गुलेरिया जैसे रेप्यूटेड डॉक्टर्स और स्कॉलर्स को रेस्पॉन्स टीम में शामिल करना काफी नहीं है, उनकी बात भी सुनना जरूरी है. नाउ कमिंग बैक टू द पैंडेमिक एंड द इकोनॉमी, इट इज एविडेंट दैट though both the pandemics are respiratory diseases, they shook the foundation of the economy, not just of the world, but also of the countries. 1918 से 1920 के बीच के पीरियड के कई सारे इकोनॉमिक स्टडीज हुए हैं. उनके फाइंडिंग्स भी हम लोग मोटे तौर पे लिस्ट कर सकते हैं. पहला था कि सोसाइटल ट्रस्ट नेगेटिवली इफेक्ट हुआ था और जिससे कंजम्पशन पैटर्न पर बहुत ही इंपैक्ट हुआ था. कंजम्पशन पैटर्न ऑल्टर होने की वजह से प्रोडक्ट्स में परिवर्तन हुआ, उससे जुड़ी चेन्स में भी ऑल्टरेशंस देखने को मिलती हैं. हिंदुस्तान में 50% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है. हिंदुस्तान के 50% से ज्यादा वर्कफोर्स का ऑलरेडी अनस्टेबल इनकम प्रोफाइल और अस्थिर हो जाएगा. अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे भी कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट है, जैसे कि एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसको MSMEs बोलते हैं. ये सब अभी ठप पड़े हुए हैं. लॉकडाउन खत्म होने के बाद या फिर अनलॉक होने के बाद सब धीरे धीरे चालू हो जाएंगे, जैसा पिछले साल हुआ था. परंतु कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाउन है, परचेजिंग कैपेसिटी भी बहुत कम है. इसकी वजह से
बिजनेस मंदा रहेगा। फीमेल लेबरर्स वर हर्ट इन 1918 सिवियरली विद डिस्क्रिमिनेशन इन द जॉब मार्केट। कोविड-19 के बाद भी यही पैटर्न देखा गया था। इससे फैमिलीज के इकोनॉमीज में तो कमजोरी आती ही है और शॉर्टफॉल होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेंडर इक्वेशन में बहुत परिवर्तन आते हैं। महिलाओं का परिवार में एज अ वर्किंग पर्सन उस स्टेटस में कमी आती है, जिसकी वजह से पेट्रियार्की हावी हो जाती है। स्टडीज शोड दैट 1918 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक फोर्स्ड द पुअर ऑफ इंडिया इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। दे वर फोर्स्ड टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर बाय गोइंग बैक टू एग्रीकल्चर, thereby raising income disparity. There was also not sufficient work in the agricultural sector. The impact of the pandemic caused shortage in food supply on the one hand and rise in prices of food items and other supplies on the other hand. पिछले साल सरकार की सीरियसनेस नहीं दिखी है इस इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करने में। भला कैसे दिखती? इतिहास में सिमिलर सिचुएशन से क्या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था, उसका ना खुद स्टडी किया है ना उन एक्सपर्ट्स पर डिपेंड किया है जिन्होंने उस पीरियड के नेगेटिव्स को स्टडी किया है। नमस्कार।